हाँ दोस्तों, इसके पहले ही एक कविता मैंने पोस्ट की थी, उसकी शेष लाइन इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं भेजने जा रहा हूँ। आई थिंक इस लाइन का एक एक शब्द हर किसी के लिए प्रेरणादायी होगा। इसमें है, मुश्किलें जीवन को अनुभव देती हैं, संघर्षों से कैसे बचें हमें सिखा देती हैं। मुश्किलें जीवन को अनुभव देती हैं, सच है वह अनुभव शायद हम स्कूल में प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो अनुभव हमें वह मुश्किल दे देगी, सिखा देगी, वह स्कूल में हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही में यह भी है कि इनसे कैसे बचा जाए, इन संघर्षों से कैसे बचा जाए, अपने जीवन को कैसे हम शांत और सुखद बनावें, यह परिस्थितियां हमें सिखाती हैं। और परिस्थितियों से सीखे हुए व्यक्ति को किसी और के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही कहा है कि मुश्किलें जीवन को अनुभव देती हैं, संघर्षों से कैसे बचे हमें सिखा देती हैं, असफल होने पर भी धैर्य का त्याग मत करो तुम, सफल होने के सारे जतन सदा ही करो तुम। असफल हो गए तो धैर्य त्याग दिए, तो क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ बच्चे यहाँ तक होते हैं, कुछ लोग यहाँ तक होते हैं सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करना विकल्प नहीं होता है, उस कारण जो कारण जिस कारण ने सुसाइड करने तक आपको मजबूर करने के लिए इस तट पर ले आया, उस कारण को आप दूर करो, सुसाइड विकल्प नहीं होता है। तो धैर्य का अगर त्याग कर दिए तब आप इंसान इंसान नहीं, ये बुजदिल हैं, कायर हैं। धैर्य धारण करते हुए उन परिस्थितियों का हल निकालिए और सफल होने के वो सारे प्रयास करिए, सार्थक प्रयास और न्यायोचित प्रयास होना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिले और वो सफलता लाइफ टाइम रहे। तो सफल होने के लिए सारे जतन सदा करो तुम। यूं ही सफलता मिलती नहीं आसानी से, सफलता यदि आसानी से नहीं मिलती तो सफलता के लिए हर एक रास्ते का चुनाव करिए जिस रास्ते से सफलता मिलती है, अर्थात वह सभी साधनों को करने की ज़रूरत है जिससे आपको सफल व्यक्ति घोषित करे। यूं ही सफलता मिलती नहीं आसानी से, पत्थर भी घिसता है निरंतर पानी से। आप देखे होंगे कि पत्थर की आपके घर में टोटी होगा, टोटी की एक एक बूंद नीचे फर्श पर गिरती है तो वह भी वहाँ दाग बना देती है। कहा गया कि अगर पत्थर पे पानी पड़े मुतसिल तो बेसुभा गिर जाए पत्थर का सिल। तो आपके निरंतर प्रयास से सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी, लेकिन उसे निरंतर करना होगा। और जैसे ही आप सफलता प्राप्त करते हैं तो उस सफलता को कायम रखने के लिए आपको और भी परिश्रम की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, साइकिल से चलते हैं, ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो और भी अपनी मेहनत तेज़ कर देते हैं। ऊंचाई पर चढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको और अब मेहनत करनी होगी। कहा गया कि बुलंदियों पर पहुँचना आसान है, लेकिन बुलंदी को कायम रखना बहुत कठिन होता है, और जो बुलंदी को कायम रख गया वही व्यक्ति सफल होता है।
और ये बुलंदी तभी कायम होती है जब आप बुलंदी पर पहुंचते हैं, तो आपके अंदर वो वहम नहीं होना चाहिए, आपके अंदर किसी भी प्रकार का ईगो, किसी प्रकार का नाज, किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। अपने स्नेही जन, अपने गुरुजन, अपने माता पिता, अपने उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनको धन्यवाद दो जिनके सहायता से आप यहाँ ऊपर पहुँचे हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर सफल होते हैं तो अपने को श्रेय मानते हैं और असफल होते हैं तो अपने भाग्य को श्रेय मानते हैं। जबकि आप सफल होते हैं तो भी, असफल होते हैं तो भी, दोनों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आपके अपने कार्य ही आपको सफल और असफल बनाते हैं। तो वही कहा है कि अपना हर पल यूं ही मत करो बर्बाद, मेहनत करके अपने जीवन को करो आबाद। एक चींटी से सीख लीजिए कि एक चींटी कभी भी रुकती नहीं है। एक चिड़िया से सीख लीजिए कि बरसात आने के पहले एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने घोंसले को बना डालती है। जितनी बड़ी चिड़िया नहीं उससे बड़े तिनके को उठाने का प्रयास करती है। बस यही आपके जीवन का मूल मंत्र है। आप उस चींटी की तरह अनवरत प्रयास करते रहिए, चिड़िया की तरह अनवरत प्रयास करते रहिए जब तक कि वो सफलता न मिल जाए। और मेहनत करके अपने जीवन को करो आबाद। आबाद नहीं हुआ जो समय रहते संभल गया, संभला संभला नहीं संभला तो हो जाओगे। अगर आबाद वही होता है जो समय रहते संभल जाता है, और जो समय रहते नहीं संभला तो निश्चित तौर पर उसकी बर्बादी लिखी रहती है। जैसे सिंपल सा उदाहरण लीजिए, इलेक्शन आता है, इलेक्शन में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, और जो प्रत्याशी रहता है एक एक मिनट को यूटिलाइज करता है, सुबह से शाम तक दिन रात एक कर देता है, उसके लिए खाना पीना दिन रात कुछ नहीं, बस कितना ज़्यादा लोगों से संपर्क करें जिसके हमें सफलता मिले। और जैसे ही नज़दीक आता है उसको सफलता मिलती है, क्योंकि उसने एक एक पल अपने कार्य के प्रति समर्पित किया है। तो आबाद वही हुआ जो समय रहते संभल गया। और इसलिए यही वक्त है संभलने का, संभल जाओ। नहीं संभले तो वक्त समय नहीं देगा, कर देगा बर्बाद। यही वक्त है संभल जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। सबका अपना एक वक्त होता है, और उस वक्त में अगर संभल गए तो शायद जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी एक बात यह, जीवन में कभी भी अपने आप के अंदर किसी भी प्रकार का ईगो मत ले आओ। ईगो मतलब वो चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। आपके पास विद्या है, आपके पास धन है, आपके पास शक्ति है, उस ईगो के कारण आप अपने उस शक्ति का, विद्या का, बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाओगे, धन का सार्थक उपयोग नहीं कर पाओगे, और निरर्थक चला जाएगा। ईश्वर भी आपको वो सारी शक्तियाँ दे करके शायद रिग्रेट करेगा कि हाँ मैंने गलत व्यक्ति को दे दिया। एक ईगो था दुर्योधन का जिसने पूरा बर्बाद कर दिया। कौरवों ने 5 गांव मांगा था, लेकिन वो 5 गांव के बजाय 1 इंच जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, बर्बाद कर दिया। रावण का ईगो, उसे बर्बाद कर दिया। जितने लोग बर्बाद हुए उसके पीछे उसका अपना एक अहम था, अपना एक ईगो था, जिसके कारण से उसे कहीं कुछ नहीं मिला। दोस्तों, आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भरपूर प्यार मिलेगा। आपका निश्चित तौर पर इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर प्रेरणा लेंगे, और आप आगे बढ़ते रहेंगे। और एक बार पुनः आपसे कहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करना, लाइक करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।